हेलो एवरीवन, आज हम जानते हैं कि व्हाट अग्रीमेंट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या कुछ अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं? आइए देखते हैं और ये जानते हैं कि पीसीएसजे हो या एलएलबी हो, जब भी आपको कोई आंसर राइटिंग करनी हो तो आप कैसे लिखेंगे और क्या क्या पॉइंट्स को कवर करेंगे, आइए देखते हैं। तो सेक्शन 2E बता रहा है क्या, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। प्रोमिस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखते हैं कि प्रोमिस का मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। 2A बताता है ऑफर, 2B बताता है एक्सेप्टेंस, और 2B ही बताता है कि प्रॉमिस क्या होता है। तो एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड, जब एक ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ये बात आपको सेक्शन 7 में मिल जाएगी। तो तब क्या बन जाएगा, प्रॉमिस। और प्रॉमिस का मतलब क्या होता है, अ राइट एंड अ ड्यूटी, यानी कि दोनों पार्टीज के पास एक एक राइट है और एक एक ड्यूटी है। दोनों के पास कौन सी राइट है, कि दूसरे से अपना काम करवा लेने का राइट है और दूसरे के लिए काम करने की ड्यूटी है। तो अगर एक आदमी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेगा तो दूसरे के राइट का वायलेशन हो जाएगा और दूसरा आदमी कोर्ट जाके सेक्शन 73, 74, 75 के अंडर रिलीफ ले सकता है। तो इट इज रेसिप्रोकल राइट्स एंड रेसिप्रोकल ड्यूटीज, दोनों को राइट्स और ड्यूटीज निभानी दूसरे के लिए। दिस इज एन अग्रीमेंट। तो क्या ऑल अग्रीमेंट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, आइए देखते हैं। सेक्शन 2H बताता है कि केवल वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो लीगल एनफोर्सेबल होंगे, यानी कि जिनको कानून का बल प्राप्त होगा। अब कानून का बल क्या प्राप्त होता है, आइए जानते हैं। तो कानून का बल प्राप्त करने के लिए सेक्शन 10 देखा जाएगा। सेक्शन 10 क्या बताता है कि केवल वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो कि किए जाए बाय कॉम्पिटेंट पार्टीज। कॉम्पिटेंट पार्टीज यानी कि क्या, जो सेक्शन 11 बता रहा है। 11 का बताता है कि पार्टीज मेजर होनी चाहिए, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर, साउंड माइंड होनी चाहिए। साउंड माइंड का क्या मतलब होता है, आइए सेक्शन 12 पे आते हैं। सेक्शन 12 का बता रहा है, अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मेक अ डिसीजन अपॉन हिज इंटरेस्ट। यानी कि पहले तो वो होना चाहिए मेजर, यानी कि जब भी मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, यानी कि अपने अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदलने के लिए क्या शर्त है, कि सबसे पहले सेक्शन 10 के हिसाब से पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। यानी कि क्या, जो 11 बताता है कि वो मेजर हो, साउंड माइंड हो और बार्ड बाय लॉ ना हो। मेजर यानी कि 18 वर्ष से ऊपर, साउंड मतलब यानी कि 12 में क्या बताता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स को समझ सके, यानी कि जब मैं उसको पढ़ूं या जब उसको सुनूं, क्योंकि सुनने से भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ओरल, रिटेन और बाय कॉन्डक्ट, तीनों तरह से हो सकता है, यानी कि आचरण से भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। तो जो भी टर्म्स है कॉन्ट्रैक्ट की, मैं उसको समझ सकूं और अपने इंटरेस्ट के लिए डिसीजन ले सकूं, यानी कि अपने हित के लिए जिसका जवाब मैं ले सकूं, जिसके लिए मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकूं और उसमें मेरा हित शामिल हो, इस बात की मुझे समझ हो, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, एक कॉम्पिटेंट पार्टी हो जाऊंगा। और कॉम्पिटेंट पार्टी हो जाना एक क्राइटेरिया है किस बात का, कॉन्ट्रैक्ट कर लेने का। दूसरा है फ्री कंसेंट, यानी कि जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो मेरे मन में कोई भी डाउट नहीं था और मेरी भी कंसेंट जो ली गई है, जो मेरी रजामंदी ली गई है, वो किसी दबाव में आके नहीं ली गई है। दबाव किस तरह के होते हैं, कोअर्जन जैसा बताता है 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस 16 बताता है, फ्रॉड 17, मिसरिप्रेजेंटेशन 18 और मिस्टेक 20 और 21। यानी कि जब मेरी कंसेंट में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तब वो एक फ्री कंसेंट हो जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मैं एलिजिबल हो जाऊंगा। अगला है लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन दोनों, यानी कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है, जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट को फाइनली अचीव करना है। अगर मालूम पड़ा कि मेरे को एक वसीयत बनवानी है तो जो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, वसीयत बनवाना, तो वो मेरा ऑब्जेक्ट और मेरा कंसिडरेशन। अब मालूम पड़ा कि मैंने जो है वसीयत बनवाने के लिए पैसे की जगह अफीम दे दी और अफीम वहाँ पे बैन है, तो फिर मेरा वो कंसिडरेशन भी इनवैलिड हो जाएगा। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, यानी कि जहाँ पे हमको पहुँचना है वो वैलिड हो, और जो चीज़ का हम लोग आपस में कंसिडरेशन ले रहे हैं वो भी वैलिड होनी चाहिए, और अगर वो वैलिड नहीं होगी तो फिर वो अनलॉफुल हो जाएगी, क्योंकि लॉफुल का उल्टा होता है अनलॉफुल, और अनलॉफुल का क्या मतलब होता है, जो 23 बताता है आपको। अगला है नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी कि हमारे अग्रीमेंट जो हैं वो अगर वॉइड नहीं है और ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, तो उसके बाद हमारा अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। पर वो वॉइड कब नहीं होगा, जब वो 25 से 30 के बीच में ना आ रहा, तो हमारे अग्रीमेंट्स वॉइड भी नहीं होने चाहिए। यानी कि जब हम एक अग्रीमेंट करें तो अग्रीमेंट अगर करा गया बाय कॉम्पिटेंट पार्टी, जो 11 बताता है और 12 मिलके बताता है, और फ्री कंसेंट से किया गया हो, यानी कि हमारी जो रजामंदी ली गई है वो इन सब चीज़ों से प्रभावित ना हो रही हो, 15 से लेके 21 तक,
जिसमें 19 और 19 ए नहीं आता, क्योंकि 19 और 19 ए इन चारों का इफेक्ट बता रहा है, और लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, और इस तरह का अग्रीमेंट अगर कानून द्वारा वॉइड डिक्लेयर ना करवा दिया गया हो, तो फिर हमारा अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।